17 जुलाई को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पुष्टि की थी कि गुजरात में 4 साल की बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई है। इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। अब तक देश भर के लगभग 12 जिलों से कुल 29 मामले सामने आए हैं। इनमें से 26 गुजरात से, 2 राजस्थान से और 1 मामला मध्य प्रदेश का है। इस वायरस के कारण मरने वालों में 13 गुजरात से हैं, जबकि एक एक पड़ोसी प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। लिहाजा चांदीपुरा वायरस मामले की संख्या में लगातार इजाफा देखकर गुजरात सरकार सक्रिय हो गई है। 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सभी जिला और ग्रामीण अस्पतालों को संदिग्ध मामलों के नमूने NIV सेंटर को भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही चांदीपुरा वायरस के अध्ययन और रोकथाम के लिए विशेष टीम भी बनाई है। बताया गया है कि ये मच्छर, मक्खी और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक होती है। ये छोटे बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन पड़ने लगती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। दरअसल चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं, हालांकि इस बार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस इसलिए अधिक खतरनाक है, इसके लक्षण एकदम अचानक आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। इसीलिए हाइजीन बनाए रखें, नियमित तौर से साबुन से हाथ धोते रहें। चांदीपुरा वायरस जंगली और घरेलू जानवरों में भी फैल सकता है, इसीलिए जब भी जानवरों के आसपास जाएं तो पूरे बाजू के कपड़े पहनकर जाएं। कीड़े भगाने वाली दवा और मच्छरदानी का उपयोग करें, इम्यूनिटी मजबूत रखें। चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या फिर कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट में उपलब्ध नहीं है। मरीज के लक्षणों को देखकर ही इसका इलाज किया जाता है। इसके इन्फेक्शन का जल्द से जल्द पता लगाना और इलाज होना बहुत जरूरी है, ताकि इसके घातक प्रभाव से बचा जा सके। सुबह में